हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप लोग COVID-19 के समय के दौरान सब के सब अपने अपने घरों में ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। कुछ बच्चों के कहने पर बच्चों ने कहा कि YouTube पर प्रोज के पढ़ाने की बात कई बार कहने के बाद आज प्रोज के प्रथम यानी फर्स्ट लेसन को 12वीं के बच्चों के लिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। 12वीं के बच्चों के लिए प्रोज में जो फर्स्ट लेसन है बच्चों, अगल विद बास्केट, ये फर्स्ट लेसन है। और हिंदी में इसका अर्थ देखा जाए तो एक टोकरी के साथ एक छोकरी, अगर्ल विद ए बास्केट, एक टोकरी के साथ एक छोकरी। ये लेसन एक प्रकार का अ ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है, एक यात्रा अनुभव है। हम इसे हिंदी में अगर कहें तो यात्रा वृत्तांत भी कह सकते हैं, जिसे अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज सर विलियम चार्ल्स डगलस ने इस ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस को लिखा, जब सन 1950 ईस्वी में विलियम चार्ल्स डगलस भारत आते हैं। और ये बच्चों उस समय की बात है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, कई मिलियन लोग पाकिस्तान छोड़ करके भारत आए थे और उसकी वजह थी धार्मिक कट्टरता। क्योंकि जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय पाकिस्तान की नींव एक कट्टरपंथी इस्लामिक कंट्री के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। विलियम चार्ल्स डगलस जो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, वो हिंदुइज्म से बहुत प्रभावित थे और उसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह थी वो वजह शिकागो सम्मेलन में जब विवेकानंद ने हिंदुइज्म के बारे में पूरे विश्व में अपने यश की पताका फैलाई थी, यश की पताका को फहराया था और पूरे विश्व को उपदेश दिया था कि हिंदू धर्म यानी हिंदुइज्म संपूर्ण संसार के देशों के धर्मों की मदर है यानी जननी है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। विलियम चार्ल्स डगलस विवेकानंद से बहुत अधिक प्रभावित थे और भारत को जानने की कोशिश कर रहे थे। शायद इसी वजह से विलियम चार्ल्स डगलस इंडिया को जानने के लिए, भारतीय लोगों के बारे में जानने के लिए, भारतीय संस्कृति को पहचानने के लिए 1950 ईस्वी में भारत आते हैं। अगर्ल विद बास्केट, विलियम सी डगलस के बारे में अगर बताएं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे, 1950 ईस्वी में भारत आए। सबसे पहले वो नई दिल्ली, और नई दिल्ली से उन्हें रानीखेत जाना था। जरा इसके बारे में थोड़ा सा आइए समझ लेते हैं। विलियम चार्ल्स डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, विजिटेड इंडिया इन 1950। During his visit, he happened to travel from New Delhi to Ranikhet, a hill station in the Himalayas. He was a realist and supporter of labor. He also loved self-respect and self-confidence. He was fascinated and charmed with the natural beauty of India. A Girl with a Basket is one of his famous essays. Bachcho, इस पुस्तक के माध्यम से थोड़ा सा लेखक के बारे में बताते हैं कि श्रीमान विलियम चार्ल्स जो डगलस थे,
वो अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। 1950 ईस्वी में भारत दर्शन के लिए आते हैं, भारत को देखने के लिए आते हैं, और उनके भारत दर्शन के दौरान ही हैपेंड टू ट्रेवल फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत। जब वो नई दिल्ली से रानीखेत जा रहे थे तब उनके साथ एक घटना घटित हुई है। रानीखेत अहिल स्टेशन एक पहाड़ी केंद्र था इन द हिमालयाज, हिमालय में, मतलब हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर एक पहाड़ी केंद्र था। ही वॉज ए रियलिस्ट एंड सपोर्टर ऑफ लेबर। विलियम चार्ल्स डगलस के बारे में अगर बात करें तो ही वॉज ए रियलिस्ट, रियलिस्ट का मतलब है यथार्थवादी, वह एक यथार्थवादी व्यक्ति थे, प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा यकीन करते थे। एंड सपोर्टर ऑफ लेबर, आम जनता के ज्यादा पक्षधर थे, यानी समाजवाद को ज्यादा प्राथमिकता देते थे। ही ऑल्सो लव्ड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। उन्हें आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बहुत प्रिय था। किसे? विलियम चार्ल्स डगलस को। ही वॉज फैसिनेटेड एंड चार्म्ड विद द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इंडिया। ही वॉज फैसिनेटेड, बच्चों, लेखक भारत की सुंदरता से, भारत की प्राकृतिक सुंदरता से बहुत आकर्षित था और भारत की प्राकृतिक सुंदरता से मोहित हो गया था। अगल विद बास्केट इज वन ऑफ हिज फेमस एसेज। बच्चों, एक टोकरी वाली छोकरी देखा जाए तो ये एक प्रकार का निबंध है।